गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी CFSE की। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। और स्पेशली अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देखिए, हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में जो धातु आयन होता है उसके डी कक्षक निम्नतर ऊर्जा के T2g कक्षक तथा उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। यदि जब हमने CFSE कैलकुलेट की थी उस समय हमने HS और LS कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट के बारे में आपको बताया था। अब देखिए, यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। यदि मैं सीधी बात करूँ कि अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की सिंपली अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है, वो निश्चित रूप से T2g कक्षक में ही प्रवेश करेगा। तो D1 के लिए यदि हम लिखें तो D1 में पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधा T2g कक्षक में ही प्रवेश करेगा और Eg कक्षक क्या रहेगा, यहां पर वैकेंट रहेगा। यदि हम इसी को हटा करके D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में यह स्थिति होगी कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी T2g में ही इलेक्ट्रॉन दोनों प्रवेश करेंगे और Eg इलेक्ट्रॉन यहां भी क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। इसी तरीके से हम बात करें D3 कॉन्फ़िगरेशन की, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में भी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो कहाँ करेगा, T2g कक्षक में ही प्रवेश करेगा और Eg कक्षक क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आगे के विन्यास की, उससे पहले आपको बताऊँ कि अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के चल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैग्नेटिक करेक्टर्स होंगे, जैसे हमने बात की D1, D2, D3 की, तो D1, D2, D3 के अंदर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि यहां पर D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन में संकुल का जो मैग्नेटिक करेक्टर होगा, यानी यहां हम कह रहे हैं कि पैरा मैग्नेटिक इन करेक्टर होगा, तो यानी अनुचुंबकत्व, तो वो उतना ही होगा जितना कि पृथक से धातु आयन में होगा, चाहे यहां पर इसके साथ में लिगेंड स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ हो, चाहे यहां पर इसके साथ में इलेक्ट्रॉन वीक जुड़ा हुआ हो। केवल जो होगा सिंपल धातु आयन के अंदर जो मैग्नेटिक करेक्टर होंगे वही समान रूप से उस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मैग्नेटिक करेक्टर होंगे। लेकिन अगर मैं इसके आगे के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं कि जैसे D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स के धातु आयन के साथ में लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है या वीक जुड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग और वीक जब लिगेंड जुड़ा हुआ होगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे ये फर्क पड़ेगा, ये असर पड़ेगा कि इलेक्ट्रो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो HS बनेगा या LS बनेगा। अगर मैं बात करूँ सिंपली कि साहब यहाँ पे हम पहले LS की बात कर लें, तो LS में अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन T2g में प्रवेश करेंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन
यहां प्रवेश करेगा और इजी क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। इसी तरीके से या हम यूं कह दें टी टू जी फोर इजी जीरो, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की। और अगर इसी का, यदि इसी का यहां पे एचएस की बात करें तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा टी टू जी में, वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर जाएगा, ईजी कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। तो ये वन टू थ्री और ये ईजी में फोर, तो यहां मैग्नेटिक करेक्टर कुछ अलग होगा, यहां मैग्नेटिक करेक्टर कुछ अलग होगा। इसी तरह से हम बात करें डी फाइव में, डी फाइव में क्या व्यवस्था होगी, डी फाइव में एलएस की बात करें पहले, तो डी फाइव में इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जाएगा, ये फोर और ये फाइव, और इजी ऑर्बिटल यहां भी क्या रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं टी टू जी फाइव इजी जीरो। लेकिन इसके एचएस की अगर हम बात करेंगे हाई स्पिन की, तो हाई स्पिन में यहां पे टी टू जी और ये इजी, यहां पे इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव, चूंकि एचएस बना रहे हम और एचएस हुंड रूल को फॉलो करता है, तो यहां पे फाइव और ये व्यवस्था पाई जाएगी। अब यहां मैग्नेटिक कैरेक्टर कुछ अलग होंगे, यहां मैग्नेटिक कैरेक्टर कुछ अलग होंगे। D6 की बात करें, D6 में क्या व्यवस्था होगी, D6 के LS में ये व्यवस्था होगी और इजी यहां भी क्या रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, टी टू जी सिक्स इजी जीरो। लेकिन यदि इसके एचएस की बात करें हम, हाई स्पिन की बात करें, तो यहां व्यवस्था क्या होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां जाएगा। यानी अब देखिए यहां पे ये जो है संकुल, ये कौन सा संकुल है, एलएस का, डी सिक्स का एलएस, और ये है डी सिक्स का एचएस। तो यहां पे डी सिक्स के एलएस में, यहां पे देखिएगा क्लियरली हमें मैग्नेटिक करेक्टर दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन करेक्टर होगा, जबकि इसी का जो एचएस है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन करेक्टर होगा। इसी तरीके से हम बात करें डी सेवन कॉन्फ़िगरेशन की, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पे छठा इलेक्ट्रॉन, सॉरी हम बात कर रहे हैं एचएस की, सॉरी एलएस की, तो एलएस में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां प्रवेश करता है, पांचवा यहां प्रवेश करता है, छठा यहां प्रवेश करेगा और सातवां इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करता है, ये बात कर रहे हैं हम एलएस की। और जबकि डी सेवन का एचएस अगर हम बनाएंगे, तो D7 का HS में व्यवस्था कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि ये हुंड रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो ये D7 की व्यवस्था होगी। अब आप क्लियरली देख रहे हैं यहां पर कि HS और LS, यानी किसी धातु आयन के साथ में लिगेंड कैसा जुड़ा हुआ है, उस पर क्लियरली डिपेंड कर रहा है क्या, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि उसके साथ में लिगेंड
वीक जुड़ा हुआ है या उसके साथ में लिगेंड स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि D4, D5, D6 और D7 विन्यास में प्रबल और दुर्बल लिगेंड्स का प्रभाव पड़ रहा है। दुर्बल लिगेंड जैसे H2O, F नेगेटिव यानी एक्वा लिगेंड, फ्लोरिडो लिगेंड। अब इसके लिए हम क्या, ऐसा क्यों पाया जाता है ये? क्योंकि मैंने आपको पिछले में बताया था कि अगर दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पे डेल का जो मान है वो पाई की तुलना में क्या होता है, कम होता है, जब लिगेंड वीक जुड़ा हुआ हो। और अगर स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ होता है तो क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ होता है तो डेल इज ग्रेटर देन क्या होता है, पाई होता है। तो ये प्रभाव पड़ता है कि लिगेंड किस तरीके का जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां एक चीज और भी हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम इसी तरीके से D10 विन्यास की बात करें तो D10 विन्यास में टोटली जो इलेक्ट्रॉन होंगे, D10 की मैं यहां बात किए देता हूं, D10 में क्या होगा कि D10 कॉन्फ़िगरेशन में T2g क्या हो जाएगा, 6 और Eg क्या हो जाएगा, 4। यहां पे T2g 6 और Eg 4 हो जाएगा, चाहे उसके साथ में लिगेंड कैसा भी जुड़ा हुआ हो। यानी और एक मैं बात करूं आपसे D0 की, तो D0 में चूंकि इलेक्ट्रॉन D कक्षक में नहीं पाया जाता है, D10 में T2G6 Eg4 व्यवस्था मैंने आपको बताई कि यहां पे T2G6 Eg4 होने से चाहे लिगेंड कैसा भी जुड़ा हुआ हो, प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, यहां पर लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम एक बात और भी करते हैं, देखिए एक तो D0, एक D10, एक विन्यास तो हुआ D0 जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है D में, एक होता है D10 और एक होता है D6, और D6 का कौन सा, जो LS बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये केवल 3 ऐसे विन्यास हैं जहां पर मैग्नेटिक करेक्टर क्या प्राप्त होते हैं, हमें प्रतिचुंबकीय प्राप्त होते हैं। इन तीनों के अलावा जितने भी विन्यास हमने बनाए हैं वहां पर हमें संकुल कैसा मिल रहा है, अनुचुंबकीय मिल रहा है। ये कॉन्क्लूजन हमारे सामने निकल करके आया है कि एक तो D0, एक D10 और एक D6 का कौन सा, LS, D6 का LS। ये तो किस तरीके के होंगे, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय मीन्स डायमैग्नेटिक। और एक हमने बताया कि इसके अलावा हमें जो भी विन्यास प्राप्त हुए हैं, जो भी अरेंजमेंट प्राप्त हुए हैं, उनमें सभी में संकुल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन करेक्टर। अब देखिए हमारे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर मान लीजिए यदि मैं यूं कहूं कि म्यू इक्वल्स टू एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, तो देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम ये कर सकते हैं कि यहां पर इस म्यू की जो वैल्यू है, इस मैग्नेटिक करेक्टर की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम प्रैक्टिकली प्रूव करके और यहां पर प्रैक्टिकली ज्ञात करके यहां से हम एन की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। और n की वैल्यू यहां पर, म्यू का मान अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू रख देते हैं तो n का मान यहां पर हमें वही प्राप्त होगा जो कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच।